टीकमगढ़ में विभिन्न मांगों को लेकर अशासकीय स्कूल के संचालकों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। टीकमगढ़ कलेक्ट्रेट में जिले भर से आए सैकड़ों की तादाद में अशासकीय स्कूल के संचालकों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। स्कूल संचालकों की मांग है कि RTE के तहत दी जाने वाली राशि स्कूलों की मान्यता अगले 5 साल के लिए बढ़ाई जाए। जिन छात्रों ने संस्था की पिछले वर्षों की फीस जमा नहीं की है उनका जनरल प्रमोशन रोक दिया जाए। इसके साथ ही अन्य कई मांगे स्कूल संचालकों ने ज्ञापन में सौंपी है। जिला अध्यक्ष राजेश खरे ने बताया कि मांगों को लेकर यदि प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया तो 14 दिसंबर को संपूर्ण मध्य प्रदेश के स्कूल संचालक भोपाल में अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। पिछले 8-9 माह से प्राइवेट स्कूल बंद है और इस कोरोना आर्थिक संकट के समय प्राइवेट स्कूलों को अभी 2 साल पहले की IT फीस प्रतिपूर्ति भी नहीं हुई है, जबकि राशि का केंद्र से 3 दिवस के अंदर भुगतान करने के लिए अक्टूबर में आदेश आ चुका था और कई स्कूल प्रपोजल लॉक भी कर चुके हैं, 8 माह पहले भी प्रपोजल लॉक कर चुके हैं, 8 दिन तक उनका IT भुगतान नहीं किया गया है। तो प्रशासन से इस मांग के लिए हर स्तर पर पहले 2-3 महीने में ज्ञापन बार बार दिए गए, लेकिन प्रशासन ने हमारा कोई सहयोग नहीं किया, इसलिए बाध्य होकर हमें आज चेतावनी स्वरूप एक अंतिम ज्ञापन दे रहे हैं। अगर 1 सप्ताह में हमारी मांगें पूरी नहीं होती तो 14 दिसंबर से भोपाल में प्रदेश स्तरीय अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन और उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज मांग को आगे तक बढ़ाएंगे। अब आगे CM महोदय क्या निर्णय लेते हैं, CM महोदय से हम बार बार ज्ञापन देके निवेदन कर चुके हैं, लेकिन हमें लगता है कि हमारी शिवराज सरकार का केवल एक ही लक्ष्य है, सबका साथ और सबका विकास, लेकिन प्राइवेट स्कूलों का संपूर्ण सत्यानाश, ये नीति नहीं चलेगी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।